भाजपा ने 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतकर 2019 के इलेक्शन में अपना सरकार बनाने का सपना पूरा किया। अप्रत्याशित रूप से भाजपा 300 के आसपास और एनडीए गठबंधन लगभग 350 सीटें जीतने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भाजपा का क्लीन स्वीप। लगभग सारी सीटें भाजपा अथवा एनडीए गठबंधन ने जीती। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने फिर थामी मोदी की आंधी, जीती 8 सीट पर। राज्य में नवजोत सिंह सिद्धू से घमासान शुरू। बुआ ने बबुआ का बनाया बेबी। बसपा ने गठबंधन के वोट के दम पर जीती 10 सीटें। सपा को कोई फायदा नहीं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने जीती कांग्रेस की पारंपरिक सीट। राहुल गांधी को दी करारी शिकस्त। वहीं रामपुर में आजम खान ने दिखाया दम, जयप्रदा को बड़े मार्जिन से हराया। समोसे में आलू रहा बरकरार, पर लालू को भूल गया बिहार। एक भी सीट नहीं जीत पाए बेटे तेजस्वी। बिटिया मीसा भारती ने भी दूसरी बार खाई चचा रामकृपाल यादव से शिकस्त। मोदी की एक्सपायरी डेट देने वाले बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा हुए खामोश। रविशंकर प्रसाद ने थमाई एक्सपायरी डेट की पर्ची। बिहारी बाबू का पत्नी धर्म भी हुआ फ्लॉप। नहीं चली पत्नी पूनम सिन्हा की पिक्चर। दक्षिण के प्रसिद्ध खलनायक प्रकाश राज का शो भी हुआ फेल। जनता ने नहीं खरीदी टिकट। मोदी की आंधी में ऐसा उड़े कि जमानत भी जब्त करवा बैठे। देओल परिवार को मिली दो दो खुशखबरियां एक ही दिन में। गुरदासपुर से सनी देओल ने उखाड़ा जाखड़ का हैंडपंप और मथुरा में हेमा मालिनी ने तोड़ा हैंडपंप का। कामनाई सुरा भास्कर की उंगली। बेगूसराय से टुकड़े टुकड़े हुए कन्हैया कुमार के सपने। और भोपाल में दिग्विजय सिंह को महंगा पड़ा भगवा को आतंकवादी बनाना। चुनाव पूर्व वायनाड के मतदाताओं की शरण लेना। बचा गया राहुल की संसद में एंट्री। 7 लाख वोटों से जीते अपनी दूसरी सीट। सोनिया गांधी ने रखी गांधी परिवार की लाज। उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट जीतने में रही कामयाब। राष्ट्रीय लोकदल और इंडियन नेशनल लोकदल का खराब प्रदर्शन रहा जारी। इस चुनाव में भी खाली हाथ घर पहुंचे। निरहुआ का जादू नहीं चढ़ा मतदाताओं पर। अखिलेश की गुगली पे हुए क्लीन बोल्ड। कई साल की कोशिश के बाद अमित शाह ने आखिरकार हराया नरेंद्र मोदी को। जहां अमित शाह गांधीनगर में 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं, वहीं मोदी का मार्जिन केवल 4.5 लाख पे अटका। इस तरह से अमित शाह ने पूरे 1 लाख वोटों के मार्जिन से नरेंद्र मोदी को हरा दिया। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल। करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।